Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. ये रही टेंट की हालत और ये रही हमारी हालत. लेयर ऑन लेयर पहना है ना, और क्या ही बताऊँ. राइट नाउ द टेम्परेचर इज इन माइनस. बिल्कुल भोलाला होत नहीं है. पहले तो व्यू बता दूँ आप लोग को. ये थी हमारी टेंट. आज हम लोग का पहला दिन है जहाँ पे हम लोग ने किसी ने पूरे ग्रुप ने कोई नहाया नहीं है, बिकॉज बिल्कुल स्कोप नहीं है नहाने का. और सुबह से यहाँ पे थोड़ा बारिश गिर रहा था अर्ली मॉर्निंग, इवन अभी बारिश गिर रहा है. यू कुड नोटिस थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, और अभी बता रहा हूँ स्नोफॉल कहाँ हो रही है. वो पूरा जो एरिया है ना, वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है. थोड़ा और जूम करके देखते हैं. इफ यू कुड नोटिस वहाँ पे भारी भरकम स्नोफॉल हो रही है. एंड ये देखो बारिश की बूंदे. बारिश हो रही है यहाँ पे. अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग का प्रोग्राम है, सीधा निकलेंगे लेह के लिए. लेह होते होते जो जो पासेस लगेंगे वो हम लोग विजिट करेंगे, जैसे तांगलंगला हो गया. अभी बज रहे सुबह के 7. प्लानिंग है लेह 2 या 3 बजे तक पहुँच जाने की. करते ब्रेकफास्ट फटाफट से निकलते. हे चिराग, गुड मॉर्निंग. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. अभी हम लोग निकल रहे सरचू से. भाई लोग ठंडी का कैसा सीन है? मजा आ रहा है? सॉरी ठंडी भाई, एकदम मस्त है. एकदम कड़क, बहुत कड़क ठंडी है, और अभी बारिश भी हो रही है. देखना आया था ना इस गेम की, यहाँ क्या चला है क्या नहीं चला है. उसका एरिया नहीं यहाँ तक, पुल तक उससे आगे को नहीं एरिया. सो लेह इज 251 किलोमीटर फ्रॉम हियर. क्या रोड हो चुकी है यार, पूरी धूल मिट्टी चारों तरफ. बट काम भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पे रास्तों का. सो आई थिंक अगले कुछ यू नो 2-3 साल में ये सब परफेक्ट होने वाला है. पूरा लेफ्ट में देखो क्या काम चल रहा है यार, जोरदार. ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, दैट इज ब्रो, मस्त काम कर रहा है एकदम. कंप्लीट डेजर्ट, सारी रेड सॉइल है यहाँ पे. पहले हम लोग का प्लान था ये रोड से भी बाइक पे जाने का, बट ड्यू टू सम इश्यूज बिटवीन हिमाचल प्रदेश बाइक एसोसिएशन एंड लद्दाख बाइक एसोसिएशन, ये मुमकिन नहीं हो पाया. इसीलिए हम लोग को 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज के लिए बाइक नहीं मिला है. बट ये जो देख के रोड्स को लग रहा है कि ठीक है, अच्छी बात है, बिकॉज पूरी धूल मिट्टी हो चुकी है यार. क्या धूल मिट्टी उठ रही है यार, एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है यहाँ पे इवन ड्राइव करना. पहले रेड सॉइल था. हम लोग ने पिछले तकरीबन 20 किलोमीटर से बिल्कुल विंडोज खोली नहीं है इसी वजह से. सो हियर वी आर एट घाटा लूप्स. वेल, घाटा लूप्स इज मोर ऑफ रोलर कोस्टर राइड. 22 हेयरपिन बेंड से यहाँ पे जो अपने को लेके जाते हैं नकीला पास पे. ऑल्दो हम लोग नकीला पास पे रुकने नहीं वाले हैं, बट ये जो घाटा लूप का टोटल रास्ता है 22 हेयरपिन बेंड्स का, इट इज़ ऑलमोस्ट कुछ 10-11 किलोमीटर का ही है. सरचू से निकले हुए हम लोग को तकरीबन 30 किलोमीटर हो चुके हैं, और आगे कुछ 220 किलोमीटर लिया है. घाटा लूप्स काफ़ी ज़िगज़ैग है, एवरी 300-400 मीटर्स पे टर्न है. मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे,
जो इसमें बताया था लास्ट के जो दो हेयर पिन बेंड्स है वो थोड़े बड़े हैं, बड़े इन द सेंस ऐसे कुछ 1 किलोमीटर का वगैरह है मत... घाटा लूप का एक फैक्ट है जो मैंने कहीं पढ़ा था, घाटा लूप जहाँ से स्टार्ट होता है इट इज़ एट सम 13,500 feet, और जब तक हम लोग पूरे 10-11 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं ऊपर पहुँचते हैं तब तक वी रीच ऑलमोस्ट 15,000 feet, मतलब जो 1,100 feet का डिफरेंस है वो पूरे उस 10-11 किलोमीटर में कंप्लीट हो जाता है। घाटा लूप्स में जाते हुए मज़े आ रहे हैं, क्या बोलते हो भाई लोग? वेल, घाटा लूप्स में एक ऐसा हेयर बैंड है जहाँ पे काफ़ी सारी बॉटल्स पाइलअप हुई दिखेगी। टिल द टाइम हम लोग वहाँ तक पहुँचे आई विल शेयर वन स्टोरी अबाउट द सेम। मैंने जो यूट्यूब वीडियोस में देखी हुई है क्यों ना मैं अपने व्लॉग में शेयर करूँ। सो ऐसा हुआ था कि वहाँ से दो बंदे गुजर रहे थे अपने ट्रक में, ड्राइवर और उसका हेल्पर। सो बीच में उनका ट्रक ख़राब हो जाता है एंड बोथ ऑफ देम ट्राई टू फिगर इट आउट टू रिपेयर द ट्रक, बट उनको कुछ और जमता नहीं है। इसी दौरान उस हेल्पर का तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाता है एंड ड्राइवर सेज दैट आई लुक फॉर सम हेल्प। तो ड्राइवर नीचे आ जाता है टूवर्ड्स सरचू टू लुक फॉर सम हेल्प सो दैट वो लोग ट्रक को फिक्स कर पाएंगे। एंड टिल द टाइम वो वापस जाता है वहाँ तक, यहाँ पर जो हेल्पर रुका रहता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है एंड ही सकम्स टू द कोल्ड एंड हंगर, अनफॉर्चुनेटली वो मर जाता है। तो ड्राइवर को आते आते काफ़ी देर हो जाती है एंड टिल द टाइम ही कम्स बैक। सो वो देखता है दैट हेल्पर इज़ नो मोर, वो वहाँ के गांव वालों को भी बुला लेता है। सो वो गांव वाले एंड वो ड्राइवर मिलकर उस बंदे की बॉडी को वहीं पर दफना देते हैं। उस दिन के बाद से ऐसा समझ लो कि कोई रिचुअल या कोई एक बिलीफ हो चुकी है दैट वहाँ से गुजरते वक्त लोग पानी की बोतल सिगरेट छोड़ जाते हैं इन द मेमोरी ऑफ दैट गाय। इवन देर आर सम स्टोरीज कि लोगों को वो बंदा दिखा भी है बाद में, इज द रीज़न दे कॉल्ड दैट बेंड टू बी हॉन्टेड एंड ऑल। काफ़ी सारी स्टोरीज है इंटरनेट पे इसके बारे में, सो यू गाइस कैन गूगल इट आउट। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज बट दिस हैपेंड समवेयर इन द ईयर 1999। इसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स है, इवन यूट्यूब पे वीडियोस भी है, तो क्यूरियोसिटी है तो तुम लोग जाके चेक कर सकते हो। बट देन सो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन था आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट आउट। ये देखो ये वाला जो है ना, दिस इज द वन, यू कैन सी कितनी सारी बॉटल्स यहाँ पे पाइल्ड अप है। तो यही है इसके बारे में स्टोरी जो मैंने शेयर करी, यू गाइस कैन गूगल मोर अबाउट इट। वी आर एट लाचुंगला पास, इट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 16,616 feet। निकल रहे अभी लाचुंगला पास से, पता नहीं अभी कहाँ रुकने वाले हैं, बट सॉलिड ठंड है, कुछ फोटोज लिए, वी आर मूविंग। फाइनली एकदम मक्खन रोड लग चुकी है, पता नहीं ये कितनी किलोमीटर तक होगी। अभी हमारे ड्राइवर विक्रम भाई बता रहे हैं दैट पांग यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर पर है, तो आधा पौना घंटा लग जाएगा पहुँचते, बिकॉज वहाँ तक शायद ऐसी ही रोड है, बीच में थोड़ा ख़राब पैच आने वाला है, बट फिलहाल तो बम्पी रोड बिल्कुल नहीं है फिलहाल, लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड गुड पार्ट इज बारिश रुक चुकी है। ये पहाड़ का शेप देखो यार। यार अपने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे कैसे कहाँ कहाँ रोड्स बना के रखे ना दिया, ये 13,000, 14,000, 15,000 feet पे रोड्स बनाना चाहके, सल्यूट यार ये लोग को।
एंड वी आर एट पांग विच इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,280 फीट। यहाँ पे एक ब्रेक के लिए गाड़ी रुकी है, सोचा थोड़ा व्लॉग कर लूँ यहाँ पे। सोच रहे मैगी वगैरह कुछ खा के निकल जाते हैं। पांग में हम लोग ने जो ब्रेक लिया है उसमें हालत देखो हमारी, तीनों लेटने वाले हैं। लगा पीछे जाते हैं। अब सही है। I am noob. आउट। पोट भरला है मस्त एकदम मैगी आणि कॉफी। पास आता डायरेक्ट टांग लागला पास। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तांग लांगला पास विच इज एट हाइट ऑफ 17,582 फीट। क्या ही व्यू है यहाँ से, बहुत सही, गजब, जबरदस्त। क्या दृश्य है यार, ओ माय गॉड, मेरी हिंदी तो देखो, दृश्य, वेल व्हाट अ व्यू यार, ब्यूटीफुल। यहाँ पे तांगलांगला पास में एक टेम्पल भी है, दर्शन लेके आते हैं। क्या बोलते हैं, ये जाके आया मेरे साथ वापस आ रहा है। यहाँ से पूरे स्नो क्लैड माउंटेन्स दिख रहे हैं। व्यू सुपर्ब, एक बहुत ही अलग फीलिंग है यहाँ पे। हम लोग का प्लान था 2-3 बजे तक लेह पहुँचने का, बट अभी तांगलांगला पहुँचते 2:30 बज गए और अभी बज रहे दोपहर के 3। सरचू से तांगलांगला इज़ 140-150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर क्रॉस हो चुके हैं और कुछ 100 किलोमीटर बाकी है लेह पहुँचने के लिए। शुरुआत का जो 50 किलोमीटर आज था वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, बट जब से तांगलांगला क्रॉस किया है ना, रोड से एकदम मक्खन चालू है, गाड़ी एकदम मस्त चल रही है। पिछले 2-3 दिन से गले की हालत काफ़ी ख़राब है, आज तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट somehow मैंने आज के दिन ब्लॉक कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉक को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, बिकॉज काफ़ी लंबा ब्लॉक बन चुका है। थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस ब्लॉग टिल हियर। अगर ब्लॉग में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी गुड इवनिंग करूंगा सीधा लेयर से। We are the